सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा। श्रोताओं नमस्कार, सहकार रेडियो के कार्यक्रम कहानियों का कारवा में एक और कहानी लेकर हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त विनोद। आज आप सुनेंगे इरशाद खान सिकंदर की कहानी लाली मेरे लाल की। ये कहानी ब्लॉग समालोचन से संभार ली गई है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी, तो सुनिए कथा लाली मेरे लाल की। तो क्या हमारी कहानी खत्म हो जाएगी? मेरे अजीज, कहानियां शुरू ही होती है खत्म होने के लिए। इतना अफसोस काहे भाई? मियां मेरी मानो तो परे फेंको सारी कहानी, समझो गिर पड़े थे, उठो धूल झाड़ो चल पड़ो। यहां तो किसी के गिरने पर हंसने का भी वक्त नहीं है किसी के पास। यही नहीं, जरा नजर दौड़ाओ तो पाओगे कि किसी की मौत पर भी रोने का वक्त नहीं है किसी के पास। ये चलते फिरते मुर्दा लोग हैं, देखन में आली जज्बात से खाली। सरदार बिंदु सिंह ने बड़ी बूढ़ियों की तरह खास लखनऊआ अंदाज में समझाते हुए कहा, बिंदु भाई, इसीलिए तो हम शहर में इतने बरस बिताकर भी शहर को कभी अपना नहीं कह पाए, जबकि गांव के लिए अब भी जबान पर अपना गांव ही आता है। कमाल ने ठंडी आ भर कर रूंधे हुए गले से अपना दुख व्यक्त किया। वो शायद इसलिए कि तुमने बरसों से गाँव नहीं देखा। सरदार के जुमले में अनुभव और विश्वास का संगम था। मुफट सरदार की ये बात कमाल के कानों में चुभ सी गई। वो पल भर को भूल ही गया कि उसकी प्रेम कहानी और नौकरी दोनों पर तलवार लटक रही है। उसने सरदार बिंदु सिंह को गौर से देखा और सोचा कि दुनिया में सभी चीजें जो अभी हैं वो एक दिन था हो जाएंगी, लेकिन सरदार के लिए था लफ्ज बना ही नहीं है। सरदार हाँ है और रहेगा। कमाल मुस्कुरा उठा और मन ही मन कुछ हिसाब लगाने के बाद उसने लैपटॉप उठाया और गांव का टिकट बुक किया। टिकट बुक करते हुए लगा कि जैसे लैपटॉप पर कोई फिल्म सी चल रही हो। चल भी रही थी, लेकिन लैपटॉप पर नहीं, उसके दिमाग में। 5 बरस से अधिक समय हो गया उसे गांव से बिछड़े हुए। इस दौरानिये में देश की सरकार बदल गई, कितने राज्यों की सरकारें बदल गई, लोगों के दिल बदल गए, और तो और इस बदलाव से उसकी नौकरी और मोहब्बत दोनों खतरे में है। नौकरी तो खैर देख ली जाएगी, लेकिन मोहब्बत, क्या मोहब्बत भी कोई देख ली जाने वाली चीज है? कितनी मुश्किल से तो उसने इस सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी साख बनाई थी, लेकिन बीती शाम बॉस ने बुलाकर साफ साफ कह दिया था, तुम सोच लो कि तुम्हें नौकरी करनी है या मोहब्बत, तुम्हारे लव जिहाद के चक्कर में कंपनी की रेपो खराब नहीं करेंगे हम। 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। और यही बात नीलू को भी कह दी गई थी। हम दोनों एक ही कंपनी में थे, हम उम्र थे, उलीक थे, 2 जिस्म 1 जान थे, और मियां बीवी होने की जद्दोजहद में थे। लेकिन नीलू के हिस्से का फैसला भी मुझे ही करना था। मसला ये नहीं था कि सारे फैसले मेरे जिम्मे थे, बल्कि मसला ये था कि पिछले दिनों नीलू के घरेलू मामलात में सियासी दखल हद दर्जा बढ़ गया था। यहाँ लफ्ज घरेलू को पूरा देश और सियासी दखल को सियासी मरज कहना ज्यादा मुनासिब है। लेकिन कहानी चूंकि नीलू और कमाल की है, सो हम विस्तार में नहीं जाएंगे। सारे समीकरण का निचोड़ और गुणा भाग का परिणाम ये निकला कि सबकी भलाई का ख्याल करते हुए या तो मैं नौकरी और ये शहर छोड़ दूं या घर वापसी कर लूं। इस शहर में तो मैं आया था नौकरी तलाशने। मुझे क्या इल्म था कि नौकरी मिलते ही मोहब्बत हो जाएगी, और वो भी एक हिंदू लड़की से। कमबख्त, सारी दुनिया प्रैक्टिकल हो रही है, अपना आगा पीछा सोच कर चल रही है, लेकिन मोहब्बत अभी भी बेवकूफ की बेवकूफी है। इसे तो बस हो जाना है, और मुसीबत झेले वो जिसे ये हो जाए। पिछले 5 साल से झेल ही तो रहे हैं, कभी अपने परिवार को मना रहे हैं तो कभी नीलू के परिवार को मना रहे हैं। इस मान मनोबल में कब 5 साल निकल गए पता ही नहीं चला। और जब इतनी रियाजत के बाद सारे सुर कुछ कुछ सधने लगे थे, तो सियासी भेड़ियों ने ये नया राग छेड़ दिया।
ये मोहब्बत के दरमियान सियासत कहां से टपक पड़ती है? नीलू का चेहरा सांवला, कदकाठी, औसत, नए नक्श, तीखे उम्र बहकने की और दिल धड़कने का था, जो कि मेरे लिए लगातार धड़क भी रहा था। लेकिन उसकी धड़कन में इजाफा कर रहे थे उसके मोहल्ले के कुछ सियासी लोग। इन लोगों ने अभी तक इतनी शराफत दिखाई थी कि जबान के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल हम पर ना किया था, जैसा कि उनके मुताबिक देश के अन्य स्थानों पर हो रहा था। अपनी सारी शर्तें समझा दी थी और ऐसा ही कोई पर्चा या मौखिक संदेश हमारी कंपनी के बॉस तक भी भिजवा दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में नीलू ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया था। हाँ, उसकी तरफ से ये स्पष्ट था कि वो कोई फिल्मी अर्थात क्रांतिकारी कदम नहीं उठाएगी, यानी बात स्पष्ट थी कि घर से भागने वागने वाला आइडिया नहीं चलेगा। अब रास्ता तो यही था कि मुझे शर्तें कबूल करके अपनी नौकरी और मोहब्बत दोनों को बचा लेना चाहिए। लेकिन मेरा दोस्त सरदार बिंदु सिंह लखनवी, जो इस शहर में नीलू के बाद मेरी दूसरी बल्कि पहली कमाई था, उसकी बात भी काबिले गौर थी। मुझे कमाल से आ की मात्रा हटाकर कमल कर लेने में कोई आपत्ति ना थी, लेकिन सरदार का कहना था कि क्या ये इतना आसान है और तुम कहां कहां से आ की मात्रा हटाते फिरोगे? अब ये मात्रा तुम्हारे जीन में समा चुकी है, वो बोलते बोलते आक्रोशित हो उठा था। रहे होंगे कभी तुम्हारे पूर्वज हिंदू, लेकिन क्या तुम्हें इल्म है कि वो वाकई हिंदू ही थे? और थे तो क्यों मुसलमान हुए? और हुए भी तो उन्हें हासिल क्या हुआ? और अब तुम्हें घर वापसी करके क्या हासिल होगा? एक नौकरी और एक अदत लड़की जिसे तुम मोहब्बत करते हो या समझते हो? मैं कुछ बोलूं इससे पहले ही वो दोबारा बोल उठा, और बात हिंदू मुसलमान की भी नहीं है। आज का नौजवान वैसे भी मजहब को खूंटी पर टांग कर ही घर से निकलता है, ऐसा ना करे तो एक कदम ना चल पाए। बात यह है मेरे भाई कि क्या जब जब सियासत बदलेगी हम मजहब बदलेंगे? और अगर बदलने का जी हुआ भी तो अपनी मर्जी से बदलेंगे यार, किसी के दबाव उबाव में नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आस्था, भोजन और संभोग, ये तीनों इंसान की निजी पसंद या नापसंद है, इसमें किसी को भी टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है बहनती। सरदार हिंदू उर्दू बोलते हुए कान बंद कर लो तो बिल्कुल सरदार नहीं लगता था, लेकिन गाली का जायका जबान पर आते ही समा बदल जाता था। बदले भी क्यों ना, हिंदी उर्दू उसकी सीखी हुई जबानें थी और गाली का असली मजा तो मादरी जबान में ही आता है, खासकर अधिक भावुकता या क्रोध के लम्हों में। यूं तो मेरा नाम कमाल था, लेकिन ये नाम फप्ता सरदार पर था। वैसे मैंने आज तक जितने सरदार देखे सब कमाल के ही देखे, सारे सरदार मुझे सरदार बिंदु सिंह ही लगते हैं। अब जबकि सरदार की बात निकल ही पड़ी है तो क्यों ना लगे हाथ मुक्तसरन उसकी भी तफसील बयान हो जाए। सरदार यूं तो मेरा कुलीग था, लेकिन उम्र और तजुर्बे में मुझसे बढ़ चढ़ कर था। सरदार इसी शहर में अपनी माँ और बीबी बच्चों के साथ रहता था, लेकिन उसका आबाई वतन ये शहर नहीं बल्कि लाहौर था। इस कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते ही सरदार से मेरी दोस्ती हो गई थी, यानी नीलू के मेरी जिंदगी में दाखिले से पहले सरदार की एंट्री हो चुकी थी। दोस्ती बढ़ी तो एक दूसरे को जानने का सिलसिला भी बढ़ा। सिलसिला बढ़ा तो मालूम हुआ कि सरदारनी घर पे दारू नहीं पीने देती, तो ऐसे में काम आया मेरा कमरा। चूंकि मैं अकेला रहता था सो मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब सरदार दारू पीता तो मैं भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ चीयर्स करता। रबता रबता ये सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड हो गई, लेकिन बहुत अधिक नहीं, यानी मैं बियर पर तो आ गया लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ा। पहले मैं जब कभी सरदार से उसकी फैमिली के अन्य सदस्यों की बात पूछता तो वो मुझे माचिस फिल्म का एक संवाद सुना देता, जो संभवतः कुछ इस तरह था, आधा सन 47 खा गया, जो बाकी बचा 84 लील गया। लेकिन दोस्ती में हार्ड ड्रिंक शामिल होने के बाद बातों बातों में एक रोज उसने बताया कि बंटवारे के वक्त मुसलमानों ने लाहौर में उसके भरे पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। केवल सरदार के डैडी जो उस वक्त बच्चे थे किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे थे, और दिल्ली आकर एक रिश्तेदार की मदद से दिन रात एक करके दोबारा घर परिवार कारोबार खड़ा किया। लेकिन दिल्ली को सरदार के डैडी का यह हौसला रास नहीं आया। दिल्ली ने 84 में जब उनका नशे मन फूका तो इस बार उन्हें बच निकलने का मौका नहीं दिया। अलबत्ता सरदार बिंदु सिंह और उसकी माँ को एक मुस्लिम परिवार ने बचा लिया। सिर्फ बचाया ही नहीं, हिफाजत के साथ लखनऊ अपने पुश्तैनी घर भिजवा दिया, और तब से लखनऊ ही सरदार का घरबार हो गया। इस तरह कहानी खत्म होते होते नई दिशा को मुड़ गई और वर्तमान में आकर मुझसे जुड़ गई।
सरदार का अतीत इतनी नफरत और मार काट समेटे हुए था, लेकिन सरदार का दिल हैरत अंगेज तरीके से मोहब्बत से लबरेज था। उसमें नफरत का कहीं जर्रा बराबर भी नामो निशान नहीं था। वो अपने हाल और अपनी खाल में मस्त रहता। रोजमर्रा से वक्त निकालकर गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकता और लोगों के खिदमत में लगा रहता। मैंने एक रोज हैरानी से पूछा कि बिंदु भाई, आपके दिल में कभी बदला लेने का ख्याल नहीं आया? सरदार इस तरह हंसा जैसे मैंने बचकाना बात कह दी। वो वैसे बात भी थी बचकाना। आग से आग का नतीजा राख होता मेरे दोस्त, बदला किससे और क्यों लेना? उन्हीं बंदों ने लाहौर में मेरा खात्मा किया था, उन्होंने ही दिल्ली में हमें खत्म होने से बचा लिया। सिर्फ नाम और चेहरे बदलते हैं, बंदे सब एक होते हैं। कमाल भाई सब उसके बंदे हैं। सरदार की बातों में कई बार दरवेशी छलक पड़ती थी और उस वक्त मुझे लगने लगता था कि शायद कायनात सरदार जितनी ही खूबसूरत है। नहीं है तो होनी चाहिए, लेकिन जल्द ही किसी न किसी कारण मेरा भरम टूट जाता और सरदार से मेरे मतभेद पैदा हो जाते। मतभेद कितने भी पैदा होते, कभी मनभेद नहीं होता था। ठीक वैसे ही जैसे रविंद्र गुप्ता से मेरे सैकड़ों मतभेद थे, लेकिन मनभेद नहीं था। रविंद्र ही क्यों, मेरा पूरा गांव कभी एक मत नहीं होता था, तब तक कि जब तक गांव की इज्जत का सवाल ना हो। लेकिन मनभेद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे वाले एक सूत्रीय धागे में पूरा गांव पिरोया हुआ था। अब जबकि मैंने गांव का टिकट बना ही लिया था और अपनी जिंदगी की वर्तमान समस्याओं से कुछ दिन का ब्रेक लेकर गांव जाने का और ठंडे दिमाग से अपने और नीलू के भविष्य का फैसला कर ही लिया था, तो गांव अचानक मेरे अंदर अपनी समग्रता के साथ आ पहुंचा था और मुझे जल्द अपनी हुदूद में ले चलने को आतुर था। इच्छा जागी कि मुझे पंख लग जाए और मैं उड़ता हुआ पहुंच जाऊं, या कहीं मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मैं उसे घिस कर चीन को बुलाऊं और उसे कहूं कि चल बेटा गांव चल, फौरन से बेस्तर। प्रचंड गर्मी और उमस का आलम था। उसमें कोड़ में खाज ये हुआ कि रात भर बिजली भी नहीं आई थी, सो कमाल की रात कमाल ही गुजरी थी। वैसे भी आधी रात तक बड़े भाई की तकरीर जारी थी, उन्होंने कल ही इमाम साहब को घर पर दावत दी थी। दावत का मकसद ये था कि बड़े भाई इमाम साहब के जरिए अम्मा अब्बा को भी सामने बिठाकर कमाल को खास दीनी बातें समझाना चाहते थे, जिसका लब्बो लुआब ये था कि कमाल को नीलू से शादी करने से पहले उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाने ला चाहिए। बात बन नहीं पाई क्योंकि कमाल ने अपने ख्यालात जाहिर करते हुए कह दिया, लकुम दिनकुम वलिय दीन, मैं चाहता हूँ ना वो मुसलमान बने न मैं हिंदू, वो अपने दीन पर रहे और मैं अपने। सुबह उठकर जब वो बाग बगीचा खेत कल्याण की परिक्रमा करके लौटा तो सूरज माथे पर चढ़ आया था। थोड़ी पेट पूजा के बाद कमाल नीम के पेड़ तले आकर बंसखट पर पसर गया। उसे देखते ही नीम की शाखों से हवाएं नीचे उतर आई और उसके माथे पर शबकत का हाथ फेरते हुए अपनी ममता का खजाना लुटाने लगी। ये शायद हवा के नर्म नर्म हाथों का ही कमाल था कि जो नींद रात भर उसे कन्नी काट रही थी वो सर के बल भागती हुई आई और आकर कमाल की आंखों में समा गई। मसल है कि सोया मुर्दा एक बराबर। इस वक्त कोई कह सकता है कि कमाल के अंदर कोई भयंकर ज्वार भाटा अपने विकराल रूप में दस्तक दिए हुए है, जिसके परिणाम स्वरूप बरसों बाद उसे अपनी मिट्टी में आने की फुर्सत मिली है। अब कहाँ गए इमाम साहब, बड़े भाई, लव जिहाद, घर वापसी, नीलू, नौकरी? हवा की लोरी सुनकर नींद आई और उसने सब चिंताओं को भाड़ में झोंक दिया। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जो ही ये जगेगा चिंताएं रक्त बीज की तरह पुनर्जीवित हो उठेंगी और इसके पीछे लग जाएंगे। तो क्या इंसान को कभी जागना नहीं चाहिए? क्या जागना ही सारी समस्याओं की जड़ है? और शायद मुर्दा समाज में जागते रहना एक गंभीर समस्या ही है। सोते रहो कमाल, तुम सोते रहो, मुर्दे की तरह निश्चिंत निश्चेत। अमे उठो, ये कोई सोने का वक्त है? उठो, नहाओ धो, जुम्मा का टाइम होने वाला है, मस्जिद चलो। बड़े भैया ने कमाल को झकझोर कर जगाया तो कमाल ने आंखें खोलकर पुनः बंद करते हुए कहा, आप जाओ ना भैया, हमें सोने दो, नींद आ रही है। काफिर के साथ नैन लड़ाई के एकदम काफिरे हो गए हो? मियाँ हम लोग से नहीं तो कम से कम अल्लाह मियाँ से तो डरो, जुम्मा का लिहाज तो करो। बड़े भैया बड़बड़ाते हुए जाते रहे, उनकी आवाज आती रही। मुर्दा जाग उठा। ज्वार भाटा फिर जमुना जी के कालिया नाग की भांति फुफकारने लगा।
बड़े भैया जो कल तक वजू बनाना नहीं जानते थे आज मौलाना बने घूम रहे हैं। बकड़ा दाढ़ी रख ली है, घुटने से नीचे कुर्ता और टखने से ऊपर पैजामा पहनने लगे हैं। जमात में जाते हैं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं और शायद तहज्जुद भी पढ़ते हों। अपने बच्चों को दुनिया की नहीं दीन की तालीम पर जोर देने लगे हैं। दीन की तालीम अच्छी बात है, लेकिन दुनिया की तालीम से परहेज क्यों? उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। खैर, उसने जानने की कोशिश भी नहीं की, और कोशिश भी क्या करें, वो तो खुद बरसों बाद कल ही आया है अपनी उलझनों में जकड़ा हुआ मुक्ति की खोज में। लेकिन क्या यहाँ आकर उसे कोई रास्ता मिलेगा? उसे अपनी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी? उसने कहीं पढ़ा था कि चिंता है चिता समान, सो उसने चिंता नहीं चिंतन की राह चुनी थी, और ये राह फिलवक्त उसे अपनी मिट्टी में खींच लाई थी। लेकिन यहाँ भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था उसे। जब वो छोड़कर गया था तब तो ऐसा नहीं था ये गांव। यहाँ पक्की सड़कें नहीं थी, शौचालय नहीं थे, टूटा फूटा विद्यालय था लेकिन अध्यापक नहीं थे, मदरसा था लेकिन मुद्रिस नहीं थे, बिजली के तारों को बिजली से संबंध नहीं था, और भी बहुत कुछ नहीं था। लेकिन जो था वो बयान से परे था, उसी के दम पर वो गांव को अपना कहता था। लेकिन उसे गांव से भी अजीब सी शहरी बू आ रही थी। कल और आज मिलाकर उसने देखा कि गांव में बुनियादी जरूरतों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त विकास भी हो गया था। मसलन अब तेलियाने से लेकर बभनौली, पटनौली, दर्जियाने, कोयराने और चमरोटी तक सबके घरों की मुंडेर पर डिश एंटीना के साथ साथ किसी न किसी पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है। उसे याद आया कि उसके बचपन में सिर्फ रामचंद्र काका के यहाँ टीवी हुआ करती थी, और पूरा गांव जनरेटर के तेल का जुगाड़ करके उनके द्वारे पर महाभारत देखने इकट्ठा होता था। अब उसकी नौबत नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस मुट्ठी भर के गांव में दो दो मस्जिदें हो गई थी, एक बरेलवी मसलक की, एक देवबंदी मसलक की। ईदगाह एक ही थी लेकिन उसमें भी दो बार नमाज होती थी, और पहले कौन पढ़ेगा इस पर दोनों मसलक हर ईद बकरीद पर झगड़ते थे। कई बार नौबत मारपीट कुटाई तक भी पहुंची और मामला बढ़कर पंचायत तक पहुंचा, और पंचों की राय से तय पाया गया कि ईदगाह भी दो बना दी जाए, और जब तक नई ईदगाह की जमीन पास ना हो जाए तब तक दोनों मसलक पाली बांध लें, यानी जो इस बार पहले पढ़े वो अगली बार बाद में पढ़ेगा। खैर, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन सुनकर अजीब लगा कि कब्रिस्तान भी दो हो गई थी और दोनों मसलक एक दूसरे की मैयत में शामिल नहीं होते थे। शुक्र है कि यहाँ मुसलमानों के दो ही मसलक हैं। अगर शिया, कादियानी, अहमदिया, चिश्तिया वगैरह और भी मसलक होते तो क्या होता, या भविष्य में हुए तो क्या होगा? कमाल ने सोचा, क्या ये सारे बदलाव उसके ना रहने के दरमियान ही हुआ है, सिर्फ पिछले 5-6 बरसों में? नहीं, ये सिर्फ 5-6 बरस का नतीजा नहीं हो सकता, ये बदलाव अंदर ही अंदर बहुत पहले से हो रहा होगा, जिसे मेरी बालक बुद्धि नहीं देख पाई होगी। पिछले 5-6 बरसों में उस बदलाव ने शक्ल अख्तियार कर ली है, इसीलिए मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। सरदार बिंदु सिंह होता तो क्या कहता इस सिचुएशन में, वो सोचने लगा। पहले शायद वो अपनी मादरी जबान में एक मोटी सी गाली देता, फिर अपनी सीखी हुई जबान में बड़ी बूढ़ियों की तरह उपदेश देता। मूतना तभी तक बेहतर है जब तक कि आदमी आग ना मूतने लगे। शहरी दोस्त याद आते ही सोच की सुई फिर गांव के दोस्त रविंद्र गुप्ता की तरफ घूम गई। रविंद्र गुप्ता मेरा लंगोटिया यार, मेरा दिल गुड़ता कलेजी सब। रविंद्र मुझे प्यार से कमलुआ कहता और मैं उसे रविंद्रवा कहता। प्यार जब क्रोध में बदलता तो मैं उसे तेलिया, वो मुझे कटुआ कहता। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब हम जाति सूचक टिप्पणी या भावनाओं का आर्थ होना जैसे शब्दों से परिचित नहीं थे। मैंने बचपन में एक बार जब वो स्कूल में मेज पर ऊँघ रहा था तो चुपके से ब्लेड से उसकी थोड़ी सी चुटिया काटकर उसकी नाक के पास रख दी थी। वो उठा तो अपनी कटी हुई चुटिया पर हाथ रखकर रोने लगा। उसे मालूम नहीं था कि ये सब मेरी कारस्थानी है, लेकिन एक बच्चे ने मुझे ऐसा करते देख लिया था और उसने पुजारी गुरुजी से शिकायत कर दी थी। पुजारी गुरुजी ने दंड स्वरूप मुझे स्कूल ग्राउंड में मुर्गा बनाकर मेरी पीठ पर एक लोटा पानी रख दिया था और हिदायत दी थी कि आधे घंटे तक पानी गिरना नहीं चाहिए, यदि गिरा तो अवधि और आधा घंटा बढ़ा दी जाएगी। सजा तो मैंने पूरी कर ली, लेकिन उस शरारत से आज तक शर्मिंदा हूँ। स्कूल के बाद रविंद्र ने मुझसे कहा कि यदि उसको पता होता कि ये शरारत मेरी है तो वो रोता नहीं। उसका सोचना था कि यदि वो रोता नहीं तो मुझे सजा नहीं मिलती। मुझे दुख और खुशी दोनों का आभास हुआ। दुख इस बात का था कि मेरे दुख से वो दुखी था, और खुशी इस बात की हुई कि मेरे दुख से वो दुखी था। कमाल ने स्वयं से प्रश्न किया, कहाँ होगा रविंद्र? फिर स्वयं को उत्तर दिया, कहाँ जाएगा कमबख्त,
दैनिक खोज खबर में होगा, अपने बाप के अखबारी दफ्तर में पत्रकारिता झाड़ता हुआ साला बड़ा पत्रकार बना फिरता है। चलकर अभी दबोचता हूँ उसे। एक वही कमीना है जो मेरी समस्या सुलझा सकता है। उसके पापा जिन्हें मैं काका कहता हूँ के पॉलिटिकल अप्रोच भी तगड़े हैं। सियासी दबाव के जवाब में सियासी दबाव ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। होने को हमारी शादी कानूनन भी हो सकती है, लेकिन इस लेकिन का क्या करूं? मेरे साथ तो लेकिन पर लेकिन का तांता सा लगा हुआ है। लेकिन मेरे जहन में काका का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? पिछले दिनों रविंद्र ने फोन पर बताया था कि नई सरकार के आते ही काका जी के बालू खनन वाले बिजनेस में सियासी अड़ंगा पैदा हो गया था। नौबत जेल जाने तक की आ गई थी, जिसका तोड़ उन्होंने ये निकाला कि पार्टी बदल ली। नई सरकार के जानिब रुख करते ही न सिर्फ पुराने सारे अड़ंगे खत्म हो गए हैं, बल्कि उनकी सारी बड़ी कारोबारी डील अब सीएम साहब से डायरेक्ट होती है। जाहिर सी बात है, सीएम तक डायरेक्ट पहुंच का मुख्य कारण बिजनेस कम, दैनिक खुशखबर की लोकप्रियता अधिक है। सो मेरे लिए भी काका कुछ ना कुछ राह जरूर निकालेंगे। करना भी क्या है, अगर वो हमारी शादी कानूनन करवा देंगे और सीएम साहब से घर वापसी गैंग को एक फोन करवा देंगे तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी ये सारे खेल हम आम लोगों को बेवकूफ बनाने के हैं। गोसाई जी ने कहा तो है, समृत को ना ही दोष गोसाई। पावरफुल हिंदू मुस्लिम में तो अब भी खूब शादियां हो रही हैं। वहां ये गैंग एक चुप हजार चुप के फार्मूले पर अमल करती है। कमाल तेजी से उठा, नल पर जाकर नहाया और कमरे में जाकर कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते पहनते उसका ध्यान बाहर आंगन की तरफ रखी ईंधन की लकड़ियों पर गया। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की पेटी के फट्ठे पड़े थे। उन पुराने फट्ठों से एक पुरानी याद निकल आई। इस पेटी में तो कुछ बर्तन और बिस्तर रखे होते थे जो हमारे घर आने वाले हिंदू मेहमानों के लिए होते थे। किसी हिंदू मेहमान के आने पर खाद्य सामग्री पड़ोस के हिंदू घर भिजवा दी जाती थी और हमारा पड़ोसी हिंदू हमारे घर आए हिंदू मेहमान को इन अलग रखे बर्तनों में भोजन परोसकर हमारी मदद करता था। यह सब किसी दुर्भावना से नहीं बल्कि जरूरत के तहत होता था। जिन मुस्लिम घरों में इस तरह की व्यवस्था ना होती थी उनके यहाँ हिंदू मेहमान आते तो थे किंतु पानी भी ना पीते थे। इसी तरह यदि हम किसी हिंदू परिवार में जाते तो हमें केले या अरवी के पत्ते पर भोजन कराया जाता। इसमें कोई बुरा नहीं मानता था। बाप दादा के जमाने से सब ऐसा ही चला आ रहा था और सभी इसे निभाते थे। वैसे गांव में अधिकतम चीजें इसलिए चलती चली आती थी कि उनका संबंध बाप दादाओं के जमाने से है, चाहे वो रीति रिवाज हो या धर्म कर्म। किसी नई मान्यता या नियम को गांव में जगह बनाने के लिए नाकों चने चबाने पड़ते। इस मामले में पूरा गांव एक हो जाता क्योंकि नई मान्यता और नए नियम उनकी इज्जत का सवाल होते थे। वैसे नियम तो फिर भी बदल के ही रहते थे। मुझे याद है पड़ोस के एक हिंदू घर में जब कभी मैं खेलता हुआ घुस जाता था तो बुढ़िया दादी मुझे भगाकर पूरा घर गाय के गोबर से लिपती थी और मैं रोज उन्हें परेशान करने की गरज से उनके घर एक बार जरूर जाता था। ये और बात है कि किसी कारण एक दो रोज ना जाऊं तो वो फिक्रमंद सी खोज खबर लेने खुद हाजिर हो जाती थी। और मेरी बड़ी अम्मा, वो भी तो बुढ़िया दादी का दूसरा वर्जन ही थी। उनकी खटिया पर अगर कोई हिंदू बैठ जाए तो उसके जाने के बाद पूरी खटिया गर्म पानी से धुली जाती थी, पूरा बरामदा लिपा जाता था। ये सारे प्रकरण मेरे लिए मनोरंजन का साधन हुआ करते थे। किसी अनजान व्यक्ति के आने और खटिया पर बैठने पर मैं झूठ मूठ बड़ी अम्मा के कान में फूंक देता, बड़ी अम्मा ये मेहमान हिंदू हैं। और बड़ी अम्मा चुपचाप पानी गर्म करने लगती। उनसे इन सब का कारण पूछने पर एक अवधि कहावत है, हिंदू धर्म खोटा धोएगा मटियावे लोटा। कहते हुए तर्क देती कि हिंदू लोग के कपड़े नापाक रहते हैं, वो इस्तिंजा नहीं करते। कुछ ऐसे ही तर्क हिंदू बुढ़िया दादी का भी होता। वो अपने पोपले गालों को भीतर बाहर करते हुए आंख बंद करके ठठा कर हंसती और अपनी ठेठ भाषा में कहती, मुसलमनवे मलिश छोले हैं, खाली जुम्मा के जुम्मा नहा ले। मुझे याद है अक्सर जब मैं खाना खाने बैठता तो बुढ़िया दादी का पोता घुटने के बल चलता हुआ मेरे पास आ जाता और मेरे साथ ही खाना खाता। उसकी माँ उसे झिड़कती, दही जरू के पोते मुसलमान हो जाइबो। जवाब में वो खिलखिलाकर हंसता, उसकी हंसी मानो कह रही हो, चुप कर माँ, साथ खाने से कोई मुसलमान होता है भला। वो घुटने के बल चलते चलते पैरों के बल चलने लगा, लेकिन मेरे साथ खाना नहीं छोड़ा। फिर भी वो मुसलमान नहीं हुआ, उसकी शादी हो चुकी है और अब उसका बेटा घुटने के बल चलने लगा है। कल मैं उससे मिलने गया तो उसने अपने बर्तन में मुझे पानी पिलाया और अपने बेटे को मेरी गोद में रखते हुए बोला, बाबू देख तोर बड़का अब्बा। मैंने बच्चों को गोद में लिया और उसकी दादी की तरफ मुस्कुराकर कहा, काहो चाची, लागता इहो मुसलमान हो जाई।
चाची का जोरदार ठहाका गूंजा और बच्चे की माँ जो दरवाजे की आड़ लेकर घूंघट किए हुए बैठी थी उसे बच्चे के बाप के मुसलमान होने की कहानी सुनाई जाने लगी। मैंने गौर किया कि मैं जब वहां से चला तो घर लीपा नहीं गया, वो शायद इसलिए कि घर लीपने वाली बुढ़िया दादी अब नहीं रही, या शायद चुपके से वो नियम ही बदल गया हो, या शायद उनकी ये गलतफहमी दूर ही हो गई हो कि मुसलमान सिर्फ जुम्मे के जुम्मे नहीं नहाते हैं। तो क्या पुरानी पेटी के ईंधन के लिए रखे फट्टे भी किसी बदलाव की निशानी है, या अब वो पुराने लोग हमारे मेहमान नहीं होते जिनके लिए बर्तन अलग रखे होते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जा बेटा, अजान हो गई। अजान की आवाज के साथ ही साथ अम्मा की आवाज आई, जा रहे हैं अम्मा, कहता हुआ मैं घर से निकल पड़ा। धूप तेज थी सो मैंने गमछा सर पर लपेट लिया, सोचा पहले नमाज पढ़ लूं फिर रमेंद्र के पास जाऊंगा, लेकिन मस्जिद के नजदीक जाकर ठिठक गया। दोनों मस्जिदें 10 कदम के फासले पर थी, लोग अपने अपने मसलक की मस्जिदों में जा रहे थे। मैं खड़ा सोचने लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा किस मसलक की मस्जिद में जाना ठीक रहेगा। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त बात यह है कि शायद मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरा मसलक क्या है। मैंने इस अजीब सी उलझन से अपने आप को बाहर खींचा, वहीं धूप में खड़े खड़े मन ही मन नमाज पढ़ी और रविंद्र गुप्ता से मिलने चल पड़ा। एक मस्जिद के माइक से खुतबे की आवाज आ रही थी, कयामत तक 73 फिरके हो जाएंगे और उनमें से जन्नत नसीब होगी सिर्फ एक को। वहीं दूसरी मस्जिद से एक सामूहिक आवाज आ रही थी, या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका। शाम को मैं और रविंद्र गांव के दोराहे पर खड़े खामोशी से सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट के धुएं के साथ मुझे एक ठंडी आह अंदर से बाहर निकलती हुई महसूस हो रही थी। काका का असहाया सा जुमला अंदर खलबली मचाए हुए था। बेटा तुम तो जानते ही हो मैं कोई भेदभाव नहीं करता, तुम मेरे बेटे हो और रहोगे, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो ना। सिगरेट पीकर हम दोनों एक खामोश विदाई के साथ कल मिलने के वादे पर जुदा हुए। वो तेलियाने की तरफ मुड़ा, मैं पटनौली की तरफ। रविंद्र का चेहरा उतरा हुआ था, मुझे खुशी भी हुई दुख भी। दुख इस बात का हुआ कि मेरे दोस्त का चेहरा उतरा हुआ है, और खुशी इस बात की हुई कि मेरे दुख के कारण मेरे दोस्त का चेहरा उतरा हुआ है। दूर एक मंदिर से गाने की आवाज आ रही थी, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे इरशाद खान सिकंदर की कहानी लाली मेरे लाल की। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सएप अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। YouTube पर सहकार रेडियो से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो की सदस्यता लेकर इसके संचालन में आर्थिक सहभागिता भी करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो ऐसे ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। फिलहाल मैं आपका दोस्त विनोद लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।